बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड ये देखें, ये गोल फ्रेम में प्लास्टिक में ये मेटल कमानी है। हम इस गोल फ्रेम में माइनस 4.5 सिलेंडर और माइनस 4.5 सिलेंडर CR हार्ड कोट ये देखें, ये 4.5 सिलेंडर और ये माइनस 4 सिलेंडर हम इस फ्रेम में प्लास्टिक फ्रेम लगाएंगे। फ्रेंड मेरी वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। अब हम इसका जो ये पुराने शीशे जो उसके खराब हुए हम निकाल लेंगे। हम इसका गत्ता काट लेंगे, ये निशान लगाने का तरीका है। ये देखिए, हमने पेंसिल से निशान लगा लिया। ये गत्ता हमने इस तरीके से काटना है। ये देखिए, हमने फ्रेम हिसाब से हमने गत्ता काट लिया है। अब हम ये माइनस 4 सिलेंडर है, इसको हमने किस तरीके से काटना है उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा। ये देखिए, हमने गत्ता ले लिया, ये पुराने वाला। इस गत्ते को हमने ये एंगल के हिसाब से हमने काटना है। इसका एंगल हमने बिल्कुल सीधा रखना है। शीशे का हमने क्या करना है, और मोटे मार्कर से हमने निशान लगा देना पहले। ये बिल्कुल सीधा रखे गत्ता, तो हमने ये निशान लगा लिया। ये देखिए, अब हमने इसके हिसाब से हमने एंगल वाला शीशा जो हमने सीधा रख के काटना है। ये जो निशान लगाया हमने, इसके हिसाब से हमने ये देखें, इस गत्ते के हिसाब से हमने बिल्कुल सीधा रखा। ये काट का तरीका, ये देखिए बिल्कुल सीधा कटा है। हमने मेन चीज है, हमने ये चीज फोकस करनी है। ये बेशक लकीर ऊपर होगी, इसकी टेंशन नहीं है। हमने ये चीज इसकी हमने फोकस करनी है। ये देखें, इसके हिसाब से हमने शीशा बिल्कुल सीधा रखा है, हमने काट लिया है। एंगल इसका बिल्कुल सीधा कटा है फ्रेम के हिसाब से। वो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये काट देना है, उस तरफ हमें लकीर नजर आ जाएगी। ये देखिए, लकीर नजर आ गई। अब हम इधर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, हमने निशान लगा लिया। तो हमने इसको भी देखें, हमारा एंगल बिल्कुल सीधा कटा है, इससे टेढ़ा नहीं होगा, एंगल बिल्कुल सीधा कटेगा। फ्रेंड अब हम शीशों की कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड अब हम शीशा ये CR का कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अभी हमने शीशा मशीन से काटा, और अब हम ये इसके नुक्के हैं ये अब मशीन से रगड़ लेंगे।
देखें हमारा शीशा कटिंग हो गया है। अब हम शीशे को फ्रेम में फिट करने का तरीका बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड ये देखें गोल फ्रेम में हम -4 सिलेंडर का शीशा फिट करेंगे और इसका वो तरीका बताऊंगा हमने किस तरीके से फिट करना है। ये देखें ये रखवाई का तरीका। ये देखिए एंगल हमने बिल्कुल सीधा रखना है। एंगल थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो साफ नज़र नहीं आएगा। हमने फोकस करना है एंगल को। ये देखिए ये फिट करने का तरीका है। अब हमने इसको बिल्कुल आराम से ये फिट कर देना। ये देखें अब बिल्कुल आराम से फिट कर लिया। ये एंगल देखिए बिल्कुल सीधा है। अब हम ऐसे ही राइट वाले शीशे को रगड़ेंगे। ये देखिए अब हम इसको बिल्कुल क्या से फिट कर लेंगे। ये देखिए अब शीशा हमारा फिट हो गया। ये देखिए एंगल दोनों के बिल्कुल बराबर सीधे जा रहे हैं। फ्रेंड ये एरिक हमारी तैयार है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।